इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है। हमको सबसे बड़ा गिफ्ट चाहिए आप लोग की नौकरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सारे लड़के लोग, लड़की लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी हैं, सबसे बड़ा हमारे लिए गिफ्ट होगा, आप अपनी सैलरी से माता पिता के हाथ में एक बार पहली सैलरी रखिए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। अभी आप लोग के लिए ठीक ठाक समय है। समय ठीक ठाक इसलिए है कि अभी आप लोग नए नए आए हैं पटना के लिए, नए नए आए हैं। एक समय बीतेगा ना तो गार्जियन का प्रेशर आने लगेगा, खुद से एक अजीब लगने लगेगा, खुद से लगेगा अजीब कि हम इतने साल से हो गए हैं अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। तो खराब समय में ही अच्छे समय में अपने खराब समय की तैयारी कर लीजिएगा। और जो गलती पूरे बिहार वाले कर रहे हैं वो नहीं करेंगे हम। बिहार वालों को पीछे केवल हम लोग अपने आप को पीछे करके रखे हैं लोग। यहां रीजन समझते क्या? हम लोग क्या करते हैं ना कि जब हम लोग का अच्छा समय आ रहा होता है तो हम सबसे घमंड में हो जाते हैं, आइठ में हो जाते हैं, अरे हमरा कौन करेगा, रे तुम देख लेंगे, धुआं धुआं कर देंगे, ये कर देंगे। गलती से नहीं, इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। हम लोग देखिएगा आज आज अपने गांव मोहल्ला में, देखिएगा शहर में, रिश्तेदार में देखिए, एक दूसरे से जलन जरतुआ ही रख रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका ठीक समय चल रहा है। आप अपने ठीक समय में आप किसी को नीचा दिखाइएगा, जिस दिन समय खराब रहेगा उस दिन तो वो आपका साथ नहीं देगा बल्कि और फायदा उठा के कचर देगा। और ये चीजें इतनी बड़ी पैमाने पे हो रही है जिस वजह से कोई किसी के साथ नहीं दे रहा है। इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाइएगा। और आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है, है कि नहीं? जीवन में अगर तकलीफ ही नहीं होगा, चुपचाप एक अमीर घर में जन्म लिए, खाने पीने का कोई कमी नहीं था, आधा घंटा पढ़ते थे, मम्मी हॉर्लिक्स लेके आ जाती थी, बाबू पी लो, तो जो जो समाज में बोला था ना कि लड़की को क्यों पढ़ा रहे हैं, लड़की को पढ़ाए क्या फायदा है, उसके घर के सामने आधा घंटा वही नगाड़ा बजवाइएगा। नहीं समझिएगा, आधा घंटा। बहुत सारी लड़कियों को लोग पढ़ाई से रोक देते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियां जो पढ़ने में बहुत अच्छी है उनको भी गार्जियन रोक देते हैं। उनकी थिंकिंग पता नहीं क्या हो जाती है जिसका। अच्छा, कई आदमी हम लोग से कहते हैं कि लड़की से नौकरी नहीं कराना है, मत कराओ यार, पढ़ा देना, डॉक्टर बना दो, नहीं करना है, नहीं करेगी। नहीं समझाएगा, आपके पास कोई चीज है तब छोड़ दीजिए, तब ना महानता है कि बिना छोड़े कर उस तो हम कह देंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का मन नहीं था, राष्ट्रपति बनने का मन नहीं था, ये कोई बात है? तो गलत लोग भी माँ बाप अगर भेजे हैं यहाँ पढ़ने के लिए तो उसका सदुपयोग कीजिएगा। यहाँ जो नए नए वादे करते हैं सब लड़के लोग, या लड़के लोग आप लोगों को भी बहुत मन लगता होगा ये सब बातचीत करने में, याद रखिएगा स्टूडेंट लाइफ में जिस चीज से आपको बहुत खुशी मिली होगी ना, जिस लम्हों में आप खूब खुश रहेंगे ना, दो चार साल बाद उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे कि ये गलती नहीं किए रहते तो आज हम भी सफल होते। हम लोगों के पास देखो पढ़ाई बहुत टफ नहीं है, दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ना और पढ़ाना। हम लोग का उद्देश्य है कि एजुकेशन को कैसे भी करके अफोर्डेबल बनाया जा सके। हर चीज का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कोई पैसा कमाने के लिए, कोई फेम कमाने के लिए। हम लोग का उद्देश्य है हम लोग व्यवस्था चेंज करें। जैसे अभी आप गौर से देखेंगे, अब एक व्यवस्था, एक दौर आ चुका है जब सब लोग का कहना है कि एजुकेशन को व्यापार मत बनाइए। एक समय था कि जिन टीचरों का शक्ल देखने के लिए 2 लाख रुपया दिल्ली और कोटा में जाके देना होता था, आज वो शिक्षक आपके शहर में आके महज कुछ पैसों में पढ़ा के जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो एक व्यवस्था में चेंज लाए हम लोग। पहले रक्षाबंधन लोग घरे में मना लेते थे, आज व्यवस्था में वो चेंजिंग आई है कि पूरी दुनिया देखती है कि रक्षाबंधन कैसा है। नहीं समझ आ गया? कोई जैसे अंबानी साहब अपने बेटा के ब्याह में बहुत खर्चा किए, उनका अपना शौक है, हमारा अपना शौक है, हम बहनों की राखी में अपना दिल खोल के खर्च करते हैं। आप नहीं समझे, हमको नहीं लगता है कि शाकाहारी में उससे ज्यादा आइटम कभी बनता होगा यहाँ पे। हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ाते ही रहते हैं यहाँ पर। और उस दिन मांसाहारी नहीं ना खाया जाता है जी,
हर मनसारी में किचाइनो ढेर हो जाता है उस दिन तो हमारा अपना व्यवस्था दो चीजों में चेंजिंग हुआ कि नहीं। तीसरी आप गौर करिएगा कि पहले एक टेस्ट होता था एग्जाम वगैरह पे आपका, हम लोगों ने एक नई व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की कि जिस तरह से आयोग सेंटर बुक करता है वहां एडमिट कार्ड जारी करके एग्जाम का सेंटर लेता है, अब हम लोग उस तरह से जो भी कंपटीशन चाहे वो बीपीएससी हो या फिर दरोगा हो या अभी यूपीएससी आ रहा है या जो भी सचिवालय लेवल का, उसमें हम लोग सेंटर भेज के अब वहां एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो पहले कोचिंग में टेस्ट होता था, अब हम लोग की मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे 6 महीना साल भर के अंदर इसे व्यवस्था के रूप में स्थापित कर देंगे। अब कोचिंग में टेस्ट होगा और सेंटर पे जाके क्या देना पड़ेगा एग्जाम, उसके लाखों रुपए खर्च आते हैं, मतलब अमूमन 10-12 लाख रुपए आते हैं एक बार टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए, एक बार एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, सेंटर बुक करना, पुलिस फोर्स देखना, फिर वहां हर चीज का एक एक बेंच पे यहाँ पे एक व्यवस्था स्थापित हुई कि नहीं हुआ। पहले लगता था कि कोचिंग में पढ़ाई होती है, आज भी पटना का जितना भी बड़ा अस्पताल हो जब उसके यहाँ ब्लड खत्म हो जाता है तो लोग कहते हैं कि चल जाओ भैया लास्ट ऑप्शन चल जाए यहाँ खान सर के पास, लास्ट ऑप्शन जाए यहाँ पे, यहाँ आज के ले जाए यहाँ पे, होता है उसके 1-2% होते होंगे जो मिसयूज के लिए भी आ जाते होंगे। हालांकि अनुभव हमें सिखा दिया है कि अब कोई आता है तो हम कहते हैं कि भैया देखो हमको एक पूरा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन से अब हम लोग को भी पता चल जाता है कि हाँ भैया इनको सच में जरूरत है कि नहीं है। तो एक व्यवस्था चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो कहीं पे भी आप रहिएगा चाहे जिस डिपार्टमेंट में आप जाइए वहां कोशिश कीजिएगा कि कोई एक व्यवस्था चेंज करे। आज अगर कोई रिक्शा वाला सब्जी वाला या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है, जो बहुत अंडर मतलब पॉवर्टी के बहुत नीचे है, तो उसको एक उम्मीद के तौर पे केजीएस को देखता है कि नहीं हम वहां भेज के हम अच्छा से पढ़ा देंगे यहाँ पर, और आप लोग को जब भेजा गया है तो उसका यूज कीजिए। मिसयूज करेंगे और खाली हाथ लौटेंगे तो खाली हाथ लौटने से ना सबसे ज्यादा तकलीफ आपको आए ही क्यों थे जब खाली हाथ लौटना था, तो क्योंकि जब आप एक अभी क्या है कि आप पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं, अब पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपकी वो थिंकिंग ब्रॉड हो गई है कि हमारी पर्सनल लिबर्टी भी होती है, हमारे राइट्स भी हैं, हमें भी इज्जत चाहिए, समाज में बराबरी का हक चाहिए। लेकिन अगर अब खाली हाथ लौटिएगा ना, खास करके लड़की लोग, तो जीना और मुश्किल हो जाएगा। छोटा बच्चा को देखिए ना, उसको नया खिलौना दिला दीजिएगा ना, नया खिलौना, तो मेहमान के सामने अपने गड़िया के रगड़ेगा, देखिए मेरा गाड़ी कैसे भाग रहा है, आपको क्या लगेगा बच्चा है अभी। उसी तरह से अभी कई लड़के मोटरसाइकिल है लेकिन अभी बच्चा है आप, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं, एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए बाउंडेशन हो जाता है, फिर आपको खुद से अजीब लगेगा तो दोबारा मन भी नहीं लगेगा पढ़ने के लिए। तो बेटर ये है कि ये मौका है, इसको मत गंवाइए, अगली साल आप लोग मोक्ष प्राप्त करके आइए। मोक्ष का मतलब फॉर्म भरने, दोबारा भरने, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने, एग्जाम देने, एग्जाम सेंटर पे जाने, फिर वापस लॉज पे आने, फिर फॉर्म भरने, ये सब जो बार बार पुनर्जन्म हो रहा है इससे क्या पा लीजिए छुटकारा, मुक्ति पा लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं तो लड़का लोग तो कहियों ना कहियों कामयाब हो जाता है, कामयाब इन द सेंस लड़कों से क्या उम्मीद किया जाता है, गार्जियन इनकी खुशी इन बाहर में जाए सभी से कामयाबी, ये कमाएगा नहीं ना तो इसका जीवन नरक है, इसका जीवन एकदम नरक है। यहाँ पर एक उदरिया कह रहा है यस सर, अरे बकलवा तुमको जो अभी लग रहा है यस सर नो सर ना, एक दिन रोएगा, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर